Alright, so we have question 16 here. Find the maximum number of points at which 4 circles and 4 straight lines intersect. तो ये question हमारा पहले के question से कुछ थोड़ा different लग रहा है. बताइए इसको कैसे approach करेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ दो lines होती okay. तो उनके maximum number of intersection points कितने हो सकते थे? One. या फिर तो lines parallel होंगी या फिर intersecting होंगी. Parallel तो zero intersection points होंगे. But उस case का क्या जब दो lines coincidental है? Coincident अगर lines हो गई तो फिर हम उन्हें दो lines मानेंगे ही नहीं. Okay. दो different lines नहीं मानेंगे. Okay. Fine. अभी हम लेते हैं कि अगर मेरे पास तीन lines हैं और तीनों parallel नहीं हैं आपस में तो कितने number of intersection points होंगे? 1, 2, 3. Okay. इसमें भी वही केस था. अगर parallel होती कोई भी सपोज दो पैरेलल होती तो हमारे पास सिर्फ दो पॉइंट्स आ जाते हैं. कम हो गए हमारे पॉइंट्स. अगर तीनों पैरेलल होती तो हमारे पास कोई पॉइंट ही ना आता. ओके. क्योंकि हमें क्वेश्चन में कह रखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स, इसीलिए हम कभी भी पैरेलल वाला केस नहीं लेंगे क्योंकि इसमें रिड्यूस हो जा रहा है. रिड्यूस हो रहा है हमारे पास, मैक्सिमम नहीं आ पा रहा. ठीक है. अभी हम लेते हैं 4 वाला. 3 वाला तो बहुत इजीली बन गया था. हम लेते हैं 4 वाला केस. तो इसके अगर हमें काउंट करने हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. 6 पॉइंट्स आ गए. अभी अगर मुझे कहोगे 5 का करने के लिए तो मेरे लिए सच्ची में बहुत मुश्किल हो जाएगा. उससे बेटर मैं क्या करूंगा, इसी को हम एनालाइज करते हैं. मुश्किल इसलिए हो जाएगा क्योंकि हम इंश्योर नहीं कर पाएंगे कि वो मैक्सिमम कॉन्फिगरेशन है. यहाँ पे भी हम देखेंगे ये बहुत छोटा सा ट्रायंगल बना है, इसके अंदर अगर 5 वाला लेंगे तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा पॉइंट्स काउंट करना. और हो सकता है कि अगर मैं दो लाइंस पैरेलल ना दूं मिस कर जाए, अगर हम पॉइंट्स मिस कर देता हूं, हो सकता है मैं एक ही पॉइंट को दो बार काउंट कर लूं. इसीलिए हम हमेशा इस तरीके से नहीं प्रोसीड कर सकते. हम एनालाइज करते हैं इसको. सबसे पहले जब दो लाइंस थी सिर्फ तो इंटरसेक्शन पॉइंट कब आया? जब ये दोनों इंटरसेक्ट की. जी. जब तीन लाइंस हैं तब कब आया ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट? कब आया? जब ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट की. ये वाला कब आया? जब ये दोनों ने इंटरसेक्शन की. ये वाला कब आया? जब इन दोनों ने इंटरसेक्ट की. तो बेसिकली इंटरसेक्शन पॉइंट तब आता है जब कोई भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है. लाइक अगर मेरे पास एन लाइंस है तो मेरे पास नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या होंगे? NC2. क्योंकि मैंने एन में से कोई भी दो लाइन सेलेक्ट कर ली जो इंटरसेक्ट करेंगे. इंटरसेक्ट करेंगे मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने पहले वाला केस ही नहीं लिया, क्योंकि मुझे मैक्सिमम निकालना है. तो आप कह रहे हैं कि अगर हमें n लाइंस दी हुई है और हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस आए, तो हर एक दो पॉसिबल लाइंस के बीच में इंटरसेक्शन आना चाहिए. उस कॉन्फ़िगरेशन में हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस आएंगे. ओके. तो फिर हमारे पास यहाँ पे कितनी लाइंस दे रखी हैं? 4 स्ट्रेट लाइंस दे रखी हैं. तो 4C2 हो गया हमारा 6, जो कि हमने यहाँ से भी निकाल लिया था. ओके. सही. अभी हम देखते हैं सर्कल का. सर्कल की इंटरसेक्शंस कैसे होती हैं? सपोज हमारे पास दो सर्कल्स हैं. एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो इंटरसेक्ट ही ना करें. लाइक दीज आर द टू सर्कल्स. एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसके अंदर है तब भी इंटरसेक्ट ना करें. एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये टेंजेंशियली इंटरसेक्ट करें, मतलब सिर्फ एक पॉइंट आए हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. और एक पॉसिबिलिटी जिसके साथ हमने काम करना है वो है ये वाली. ओके. 2, क्योंकि यहाँ से दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है और हमें मैक्सिमम चाहिए हमेशा. तो हमें सिर्फ यही वाली कॉन्फ़िगरेशन चाहिए. हाँ, इस क्वेश्चन के लिए हमें सिर्फ ये वाली कॉन्फ़िगरेशन चाहिए. ओके. तो हमें कह रखा है कि हमारे पास 4 सर्कल्स हैं और मुझे पता है कि हर दो सर्कल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास 2 पॉइंट्स आ सकते हैं. ओके. अगर हम मैक्सिमम, अगर हम 3 भी यहाँ पे डालें सपोज, देखो तो इसके और इसके साथ हमेशा देख, इफ वी से द C1, C2, C3, C1 और C2 के इंटरसेक्शन से भी 2 पॉइंट्स आएंगे हमेशा. C2 और C3 के से भी हमेशा आएंगे दीज वन. और C1 और C3 के भी कॉरेस्पॉन्डिंग भी हमारे पास हमेशा 2 पॉइंट्स आएंगे. मतलब okay. जैसे हमारे पास स्ट्रेट लाइंस के लिए हुआ था कि हर दो लाइंस के लिए हमारे पास एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा था, वैसे सर्कल के लिए हो गया हमारे पास हर दो सर्कल्स के लिए हमारे पास 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं. तो हमारे हमें दे रखे हैं 4 सर्कल्स. 4 में से हम कोई भी 2 सेलेक्ट करेंगे 4C2 वेज में. उसके बाद हम कर देंगे N2 2. ये हो गए हमारे सर्कल के जो सर्कल हैं आपस में इंटरसेक्शन की. ओके. हमारा क्वेश्चन अभी खत्म नहीं होता क्योंकि हमने ये भी पूछ रखा है कि सर्कल्स और लाइंस भी आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं. ओके. तो फिर अगर हमारे पास एक सर्कल है और एक लाइन है तो हो सकता है वो उसको इंटरसेक्ट ही ना करे, दूर से निकल जाए. हो सकता है उसकी टेंजेंट हो, एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट आए. या फिर हो सकता है उसकी सीकेंट हो, दो पॉइंट, जिससे 2 पॉइंट्स आ जाए. अगेन हम 2 वाले डील करेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए. तो हर लाइन और सर्कल के कॉरेस्पॉन्डिंग, हर एक लाइन और एक सर्कल के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास 2 पॉइंट्स आ रहे हैं. तो हम एक सर्कल सेलेक्ट करेंगे और एक लाइन सेलेक्ट करेंगे. एग्जैक्टली. एक सर्कल हम कितने वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं? 4C1 वेज में. एग्जैक्टली. और लाइन किस कितने वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं? 4C1 वेज में. और हर एक की कॉरेस्पॉन्डिंग हमें मिल रहे हैं 2 पॉइंट्स आ रहे हैं. ठीक है, ये हो गया हमारा. इन तीनों का सम लेना पड़ेगा. इन तीनों का जब हम सम लेंगे, क्या था हमारा इनिशियली? 4C2 प्लस 4C2 इंटू 6, 4C2 इंटू 2 सर्कल वाले केस के लिए, प्लस 4C1 इंटू 4C1 इंटू 2 इंटू 2. ओके. ये हो गया हमारा फाइनल आंसर.
इवैल्यूएट कर सकते हैं इसको, 4 इंटू 3 बाई 2, 6 प्लस 6 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4, 16 इंटू 2, 32, 6 प्लस 12 प्लस 32, 18 प्लस 32, दिस वुड गिव अस 50, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके ओके, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने ये देखा कि अगर एक सेट ऑफ लाइंस दी हुई है और हमें मैक्सिमम पॉसिबल इंटरसेक्शंस चाहिए, तो वो तब होगा जब हर एक पॉसिबल पेयर इंटरसेक्ट कर रहा है अपने आप में। तो अगर n लाइंस दी हुई है तो n सी टू विल बी योर मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस पॉसिबल, जिस कॉन्फिगरेशन में कोई भी दो लाइंस पैरेलल नहीं है। फिर हमने सर्कल के लिए भी सेम फॉर्मूला डिराइव किया, दो सर्कल्स मैक्सिमम पॉसिबल टू पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर सकती है। तो अगर n सर्कल्स दिया हुआ है तो n सी टू इंटू टू इज योर नंबर ऑफ पॉइंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरसेक्शंस। और फिर हमने देखा कि अगर एक सर्कल और एक लाइन है तो मैक्सिमम पॉसिबल इंटरसेक्शंस दो हो सकते हैं, जबकि वो उसको काट के जाता है बीच में से। तो उसके लिए हमने ये देखा कि पहले सर्कल सेलेक्ट कर लो, लाइन सेलेक्ट कर लो और मल्टीप्लाई बाय टू कर दो, बिकॉज दो पॉइंट्स पे सेलेक्ट हो रहा है। और हमें हर एक पॉसिबल कॉन्फिगरेशन देखना पड़ेगा, सर्कल सर्कल, लाइन लाइन एंड सर्कल लाइन, जो कि इस क्वेश्चन में हमने देखा। सो दैट वॉज क्वेश्चन नंबर 16। Alright, so we have question 17 here. Out of 18 points in a plane, no 3 are in the same straight line except 5 points which are collinear. Find the number of straight lines that can be formed on joining them. इस question को हम कैसे approach करेंगे? देखो, अगर हमें कहा जाता कि 18 points हमारे पास plane में सारे non-collinear हैं, तो उसके corresponding हम जो points लिए बना सकते थे वो होते, जैसे हमने 3 के corresponding अभी अभी देखा, 3C21 है, 4 के corresponding 4C21 है, n के corresponding NC21 है। वैसे अगर हमारे पास 18 पॉइंट्स हैं तो हमारे हो जाता है आंसर 18C2। तो आप कह रहे हैं कि अगर कोई भी n नंबर ऑफ पॉइंट्स दिए हुए और वो कोलिनियर नहीं है, तो किसी भी दो पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे तो उसके अक्रॉस एक डिस्टिंक्ट लाइन बनेगी, और इसलिए यहाँ पे 18 अगर नॉन कोलिनियर होते तो 18C2 हो जाता, 18C2 हो जाता। okay, बट ऐसा नहीं है, बट ऐसा नहीं है क्योंकि हमें कह रखा है कि 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमारे पास ऐसे कोई 5 पॉइंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5 जो एक लाइन में है। ओके, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने काउंट कर रखी थी लाइंस, अगर ये कॉलिनियर ना होते तो 1, 2, 3 लाइक बहुत सारी होती हैं। देखो अभी जैसे कि हम 4 तक के, जब तक केस था हमारा तब तक हम बना पा रहे थे, जैसे ही 5 हो पाया हमारी कॉम्प्लिकेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मैं बना ही नहीं पाया ये लाइंस। ओके, तो मुझे कैसे प्रोसीड करना पड़ेगा भाई, NC2 वाले बेस में 5C2 लाइंस में बना लेता अगर मेरे पास 5 पॉइंट्स होते तो, लाइक कोई भी दो पॉइंट्स लेके एक लाइन बन सकता। अगर कोई भी दो कोलिनियर नहीं थे, है ना, दो पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, नहीं अगर कोई भी दो लाइंस जो हमें आई है वो सेम नहीं थी, तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हमें 5C2 लाइंस मिल जाती। ओके, बट अभी हमें कितनी लाइंस मिली, एक, सिर्फ एक। ओके, मतलब हमें 18C2 जब हमने लिखा तब उसके अंदर हमने 5C2 लाइंस काउंट कर रखी है इन स्पेसिफिक 5 पॉइंट्स के लिए, बट हमें काउंट करनी मिल रही है सिर्फ 1। ओके, मतलब हमने ये जो चीज है 5C2 - 1, ओके, ये हमने एक्स्ट्रा काउंट किया। ओके, एक्स्ट्रा काउंट किया तो ऑल वी हैव टू डू इज 18C2 - 5C2 - 1, दिस इज इक्वल टू 18C2 - 5C2 + 1 + 1। ओके, इज आवर फाइनल आंसर। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि अगर हमें कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ऑल ऑफ व्हिच आर नॉन कोलिनियर, मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम दो के अक्रॉस एक लाइन बनाए और किसी और दो के अक्रॉस एक लाइन बनाए तो वो दो लाइंस डिफरेंट आती हैं, तो उस केस में ये होता है कि अगर हमें n पॉइंट्स दिए हैं तो नंबर ऑफ पॉसिबल लाइंस विल बी NC2, विच इज़ वेरी सिंपल। बट अगर ऐसा दिया हुआ है कि उन पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल 3 या 4 पॉइंट्स एक सेम स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है कि अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं NC2, तो हम कुछ एक्स्ट्रा केसेस कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि हमें फाइनल आंसर से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वो हम कैसे करेंगे कि अगर हमें n में से r दिया हुआ है विच आर कोलिनियर, तो RC2 कंसिडर करते हम आइडियली अगर वो कोलिनियर नहीं होते तो, बट वो कोलिनियर है तो RC2 के बजाय हमें कंसिडर सिर्फ एक करना है। तो RC2 - 1 इज योर एक्स्ट्रा विच यू नीड टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम योर NC2 फाइनल आंसर के लिए, जो कि हमने यहाँ पे देखा कि हमारा r 5 था और n 18 था। दैट वॉज क्वेश्चन नंबर 17। ये हम जनरलाइज करके ऐसे लिख सकते हैं। ओके, जहाँ पे कि n हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स है और r रिप्रेजेंट करता है द पॉइंट्स विच आर लाइंग अलोंग वन स्ट्रेट लाइन विच आर कोलिनियर। या विच आर कोलिनियर। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 17। ऑलराइट, सो वी हैव क्वेश्चन 18 हियर। फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन विद इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स सैटिस्फाइंग द इनइक्वालिटीज मॉड x < इक्वल टू k, मॉड y < इक्वल टू k,
एंड मॉड ऑफ x माइनस y लेस देन इक्वल टू k. तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को देखते हैं. मॉड x लेस देन इक्वल टू k का मतलब क्या होता है? माइनस के लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू k. सेम वे माइनस के लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू k. एंड फॉर x माइनस y को ऐसे ही रहने देते हैं, लेस देन इक्वल टू माइनस के लेस देन इक्वल टू k. ठीक है, तो अब हम इन सब इनइक्वालिटीज को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं. अभी x इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के. सपोज दिस इज आर माइनस के पॉइंट. ओके, दिस इज आर माइनस के पॉइंट, दिस इज आर प्लस के पॉइंट, दिस इज आर प्लस के पॉइंट. अभी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के, मतलब ये वाली लाइन, मतलब x जब भी होएगा इस लाइन से इस वाली साइड होगा. ओके, और हमें क्या रखा है कि x इज लेस देन इक्वल टू के, तो वो इस साइड होगा लाइन के, लेफ्ट साइड, इस साइड होगा. ओके, अभी y, y इज आल्सो ग्रेटर देन माइनस के, तो ऊपर होगा, इसके ऊपर, इस लाइन के नीचे. ओके, ठीक है. अभी जो दूसरी चीज है दैट इंपॉर्टेंट, अभी हमें प्लॉट करना है x माइनस y इज इक्वल टू k. सबसे पहले मैं प्लॉट करता हूँ. जब x जीरो होगा तब y माइनस k होगा, मतलब ये वाला पॉइंट. जब y जीरो होगा तब x इक्वल टू k होगा, ये वाला पॉइंट. देखो ये सबसे इजी तरीका होता है कभी भी कोई भी लाइन कंस्ट्रक्ट करने का. Okay. मेरा टॉपिक नहीं है स्ट्रेट लाइंस, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ. अगर आपके पास एक एकदम स्ट्रेट लाइन दे रखी है, मैं x इक्वल टू जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग y इक्वल टू पाई की वैल्यू निकालूंगा और y इक्वल टू जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकालूंगा. मुझे दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे, दो पॉइंट्स की कॉरेस्पॉन्डिंग मैं एक लाइन बड़ी इजीली बना सकता हूँ. ओके, दूसरी लाइन मुझे क्या बनानी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस के. इसमें भी हम देखते हैं, जब x को मैं जीरो पुट करूंगा तब आ जाएगा y इज इक्वल टू के, मतलब ये वाला पॉइंट. जब x y इक्वल टू जीरो पुट करूंगा तो x आ जाएगा माइनस के, मतलब ये वाला पॉइंट. एंड आई जॉइन दीज पॉइंट्स, लाइन मैंने एक्सटेंड कर ली. अभी हमें देखना है कि हमें कौन से वाला रीजन चाहिए. x माइनस वे y लेस देन इक्वल टू के है. सपोज मैं जीरो कॉमा जीरो पॉइंट ले लेता हूँ. ओके, जीरो कॉमा जीरो, जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो. दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू के, क्योंकि हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर माना है. तो फिर मतलब जो x जीरो कॉमा जीरो वाला पॉइंट है वो इसमें लाई करेगा, मतलब हमें ये वाला रीजन चाहिए. क्योंकि जीरो कॉमा जीरो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस साइड के पॉइंट्स उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे. ये बेस्ट तरीका होता है किसी भी इनइक्वालिटी को चेक करने, ओरिजिन पे चेक करना. ओके, क्योंकि ओरिजिन सबसे इजीली हम पुट कर पाते हैं, जीरो जीरो चीज़ हो जाती है तो हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा उसके लिए. सेम वे मैं इसके लिए देखूंगा माइनस के लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई के लिए. जीरो कॉमा जीरो पुट किया मैंने, जीरो माइनस जीरो, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के, क्योंकि के इज अ पॉजिटिव इंटीजर. तो मतलब ये वाला, मतलब हमारा रीजन हो गया ये वाला. ठीक है, ओके. अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स, हमें इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स चाहिए. तो सबसे पहले इस वाली लाइन के लिए हम देखते हैं, इस वाली लाइन पे कितने इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स होंगे. इधर ये के है, तो यहाँ पे वन टू थ्री ये के तक होएगा. एग्जैक्टली, ठीक है. तो इधर इधर पॉजिटिव एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हो गए हमारे के पॉइंट्स. ओके, इधर भी के माइनस के है तो इधर भी के पॉइंट्स होंगे. फाइन, और जो बीच वाला जीरो है उसको हमने काउंट नहीं किया. तो हमारे ये जो एक्स एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए पॉइंट्स, टू के प्लस वन. फाइन, ओके. अभी जब हम नेक्स्ट पे चल रहे हैं तब हमारा क्या हुआ, यहाँ पे एक एक पॉइंट होगा कोई भी, बट हमारा ये वाला पॉइंट जो है होना चाहिए था, बट वो अब नहीं होएगा क्योंकि इट वेंट आउटसाइड. तो हम एक कम कर देंगे. लाइक इनिशियली हम लोग ये जो हमारा स्क्वायर है, हमें इसकी लेंथ पता चल गई, समझ रहे हो. टू के प्लस वन मतलब इधर भी टू के प्लस वन पॉइंट होंगे, इधर भी टू के प्लस होंगे क्योंकि एक्स और वाई में सिमेट्री है. तो मैं कह देता हूँ कि अगर मुझे इस पूरे स्क्वायर के अंदर जितने कोऑर्डिनेट्स हैं इंटीग्रल वो निकालने होते, तो मैं सिंपली निकाल सकता था टू के प्लस वन का होल स्क्वायर. एग्जैक्टली, क्योंकि एक लाइन में टू के प्लस वन है. क्योंकि हम लाइक एक छोटे से के लिए वो करते हैं, लाइक अगर यहाँ पे ये थ्री है, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, तो फिर हमारे कितने पॉइंट्स होंगे, नाइन पॉइंट्स हो जाएंगे. थ्री थ्री, थ्री क्रॉस थ्री इज इक्वल टू नाइन. और बीच में भी कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है हमें, बट ऐसा हमेशा ट्रू होगा क्योंकि हम बाउंड्री कंडीशंस भी ले रहे हैं. एग्जैक्टली, क्योंकि बाउंड्री को इंक्लूडिंग, बाउंड्री को इंक्लूड कर रहे हैं. एक लाइन पे 2k प्लस 1 है और ऐसे हमारे पास 2k प्लस 1 लाइंस हैं. हां जी, सो 2k प्लस 1 स्क्वायर. तो अभी दो तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन के, या फिर तो मैं बीच वाले सारे काउंट करूं, ठीक है, या फिर मैंने पूरे काउंट कर लूं उसके बाद ये वाले सबट्रैक्ट कर दूं. ओके, तो इस क्वेश्चन में हम कौन सी अप्रोच लगाना हमारे लिए फीजिबल होगा? ये वाला, जैसे कि एरिया ही दिख रहा है हमें, ये वाला एरिया बहुत बड़ा है, तो फिर हमें इसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. तो हम वो वाला कैलकुलेटर से सबट्रैक्ट कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ इस वाले में अगर हम देखें हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं, के
अगर हम इसको इंक्लूड ना करें तो, क्योंकि ये वाला पॉइंट हमें इंक्लूड नहीं करना क्योंकि ये वाला पॉइंट उस इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा है। ये हो गए। नेक्स्ट पे हम आएंगे तो सिर्फ ये वाला नहीं होएगा और ये वाला नहीं होएगा, क्योंकि ये x y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर हम लिखते हैं तो m हमारी स्लोप होती है, यहाँ पे m हमारी जो स्लोप है वो 1 है। मतलब अगर ये 1 नीचे आया तो ये भी 1 ही नीचे इस साइड जाएगा, मतलब इफ दिस इज 1 दिस इज 1। मैं ये कहना चाहता हूँ इससे कि यहाँ पे एक पॉइंट होएगा, यहाँ पे एक पॉइंट होएगा, देख यहाँ पे जो k माइनस 1 होएगा अपना उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक पॉइंट होएगा हमेशा। तो जब मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊँगा, यहाँ पे k माइनस 1 पे जाऊँगा, तब मेरे k पॉइंट्स आने के बजाय k माइनस 1 पॉइंट्स आएंगे। ओके, इनिशियली कितने आए थे? k आए थे, अगली बार आ गए k माइनस 1। एक और नीचे जाऊँगा तो मैं ये वाला पॉइंट भी काउंट नहीं करूँगा जो इसके नीचे है, और इसके जो नेक्स्ट वाला नीचे होगा मैं इसको भी काउंट नहीं करूँगा, तो k माइनस 2। सो ऑन, ऐसे मैं नीचे जाते 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 जो एकदम मैं 1 पे पहुँच जाऊँगा तब मैं ये वाला पॉइंट भी काउंट करूँगा, मैं सिर्फ ये वाला पॉइंट काउंट करूँगा, तो दैट वुड बी 1। और लास्ट वाले केस में तो सब कुछ ही ऐड हो रहा है हमारे आंसर में, तो जीरो होगा। जीरो। ओके। तो मेरा टास्क क्या हो गया, 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर में से मुझे ये माइनस करना है, क्योंकि मुझे दिख रहा है जो ये वाला एरिया है वो एग्जैक्टली ये वाला एरिया है। ओके। तो मैं इसके 2 टाइम्स इसको सबट्रैक्ट कर दूंगा। फाइन। तो अभी टास्क हमारा कुछ भी नहीं बचा, हमें ये तो पता है कि अगर हमारे पास k कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं हमें उन्हें ऐड करने का फॉर्मूला डायरेक्ट पता है, k into k plus 1 divided by 2। ये है जब हमें 1 to k ऐड करना है, राइट? ओके। ये हम अगर आप ऐसे ना भी करना चाहो तो हम इसे एक ap मान लेते हैं। इनिशियल टर्म इज k। ओके। हमारा जो d है वो माइनस 1 है और जो हमारा लास्ट टर्म है वो जा रही है 1 तक या फिर 0 तक। 1 या 0 तक ही जा रही है क्योंकि हमें ऐड करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है इसका, n by 2 into 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। यहाँ पे हमें n नहीं पता बट हम निकाल सकते हैं l इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी से। ए क्या हमारा k, k प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब हमारा n माइनस 1 इज इक्वल टू k आ गया, मतलब n इज इक्वल टू k प्लस 1। यहाँ पे हम k प्लस 1 डालेंगे, ए की हमें वैल्यू पता है k है, तो k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a, 2k प्लस n माइनस 1 हमारा हो गया k, और d कितना है माइनस 1, 2k माइनस k k, तुम्हारा आंसर आ गया k इंटू k प्लस 1 बाई 2 k प्लस 1 बाई 2 इंटू k। ये टर्म्स हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं अपने ओवरऑल k प्लस 1 के स्क्वायर से, इसको 2 टाइम्स करके, क्योंकि ये वाला जो k इंटू k प्लस 1 बाई 2 आया हमारा सिर्फ इस वाले एरिया के लिए आया, बट हमें 2 एरिया चाहिए, ये वाला और ये वाला। तो हमारा टास्क हो गया वी रिड्यूस टू 2k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स k इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो हम इसको खोल के लिख सकते हैं 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 माइनस k इंटू k प्लस 1 k स्क्वायर माइनस k। तो ये हो गया 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने ये देखा कि अगर हमें फॉर एग्जांपल कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में थी मॉड x लेस देन इक्वल टू के, कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं, तो पहले आप उसका ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। अब अगर पूरा का पूरा एरिया हमें लेना है तो बहुत सिंपल हो जाता है हमारे लिए काम, क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि एक लाइन में कितने इंटीग्रल पॉइंट्स आ रहे हैं और फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय नंबर ऑफ लाइंस, जो कि इस केस में आ रहा था 2k प्लस 1 का स्क्वायर। बट सिंस ऐसा नहीं है, हमें कुछ ऐसे रीजन्स आ रहे हैं जो कि हमारे फाइनल आंसर में इंक्लूड नहीं होंगे, तो हमें उन्हें हटाना पड़ेगा। या तो हम ये कर सकते हैं कि जो फाइनल आंसर है हम उनका टोटल ले सकते हैं, या फिर हम ये कर सकते हैं कि जो रीजन्स नहीं है हम उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में ऐसा था कि जो रीजन्स इंक्लूडेड नहीं है वो कम थे, तो वो हमारे लिए इजी था कैलकुलेट करना, इसलिए हमने वो कैलकुलेट किया और टोटल से सब्ट्रैक्ट किया। दूसरे केस में ये हो सकता है कि अगर हमारा रीजन जो हमें इंक्लूड करना है वो छोटा है तो हम उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो आपको डिसाइड करना है कि विच वुड बी मोर फीजिबल एंड विच वुड बी फास्टर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में यही था कि आप ग्राफ प्लॉट कीजिए और जो भी अनरिक्वायर्ड रीजन है उनको हटा दीजिए टोटल में से, जिससे कि आपका फाइनल आंसर आ जाएगा फॉर इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 18।